नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने PRS हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पुराने नोटों और सिक्कों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर आपके पास भी पड़े हैं तो आप लोगों को वो नोट और सिक्के लखपति बना सकते हैं। यानी दोस्तों, एक नोट और एक सिक्कों के बदले आप लोगों को दो दो या फिर तीन तीन लाख रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन नोटों और सिक्कों को आप लोग घर पर बैठे बैठे ही बेच सकते हैं। यहां पर आप लोगों को एक बायर के नंबर मिले हैं ना, बायर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले आप लोग हमारा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। जैसे दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी 5 रुपए का ट्रैक्टर नोट है तो ये अकेला नोट आप लोगों को 5 लाख रुपए दिला सकता है। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत से ऐसे पुराने नोट और सिक्के बताऊंगा जो अगर आपके पास पड़े हैं तो आप लोग रातों रात लखपति बन सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, एक या फिर दो सिक्के या फिर एक सिक्का या एक नोट आपके पास होगा ही, लेकिन आप लोगों को उस बात का पता नहीं है कि कौन से नोट और कौन से सिक्कों के बदले आप लोग लखपति बन सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से जो बायर है उसका नाम है भवानी सिंह, और उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था कि हम पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन नोट और सिक्कों को खरीदने वाले बायर जो भवानी सिंह है उसके यहाँ पर मैंने आपको नंबर भी दिए हैं जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे नोट और सिक्के घर पर बैठे बैठे ही बिकवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोट और सिक्के हैं वो बायर लोग खरीदने के बाद में उन नोट और सिक्कों का क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पुराने नोट या फिर पुराने सिक्के होते हैं जो आप लोगों से बायर लोग खरीदते हैं, उसमें वो आप लोगों से जो नोट और सिक्के खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी एक सिक्का आपसे 1 लाख रुपए में खरीद लिया, तो आगे उन सिक्के को आगे जो बड़े बड़े विदेश में एग्जीबिशन शो कॉइन एग्जीबिशन फैक्ट्रियां लगती हैं वहां पर जाकर बेच देते हैं, और वहां पर उन लोगों को जैसे कि आप लोगों से एक सिक्का 1 लाख में खरीदा है तो आगे वो 2 लाख में एक सिक्का बेच देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपके पास भी इस वीडियो में बताए गए जो भी नोट और सिक्के हैं, अगर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो जो एंटिक सिक्के और एंटिक नोट बताऊंगा उनमें से अगर आपके पास भी कोई भी नोट या फिर कोई भी सिक्के पड़े हैं तो आप उन नोट और सिक्कों को घर बैठे बेच सकते हैं और बदले में लाखों रुपए ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कैसे आपको अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने हैं, साथ ही दोस्तों आपको लाखों रुपए कैसे लेने, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो में इस 100 रुपए की नोट के बारे में बता देता हूं। यहां पर आप लोग दोस्तों जो नोट देख रहे हैं वो एक 100 रुपए की दिखने में तो साधारण नोट देख रही हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जो ये एक नोट है ये 5 लाख रुपए दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए आप लोग इस एक नोट के बदले ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस नोट के ऊपर आप लोगों को एक अशोक स्तंभ का चिन्ह दिखाई देता होगा। साथ ही दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को एक इस प्रकार का बैकग्राउंड दिखाई देता होगा, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक किसान जो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आता होगा। साथ ही दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हुए भी किसान आप लोगों को दिखाई देते होंगे। अगर आपके पास भी इस प्रकार का 100 रुपए का कोई भी ट्रैक्टर वाला नोट पड़ा है तो दोस्तों, ऐसे जो रेयर नोट माने जाते हैं, हर एक नोट के ऊपर ट्रैक्टर का फोटो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों 100 रुपए की ये जो ट्रैक्टर वाली नोट है, इस नोट के बदले आप लोगों को 5 लाख रुपए बायर लोग देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 5 लाख रुपए। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भी 2 नोट मिल जाती हैं तो आप लोगों को 10 लाख रुपए 2 नोट के बदले मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, 5 प्रकार की अगर आपके पास ऐसी नोटें मिल जाती हैं तो आप लोगों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी यहां पर बायरों के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये 100 रुपए की ऐसी नोट पड़ी है जो ट्रैक्टर वाली है तो आप लोग कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपके पास इस प्रकार की 100 रुपए की ट्रैक्टर वाली कितनी नोटें पड़ी हैं वो भी हमें जरूर बता दें। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अगली नोट है वो है 50 रुपए की। इस प्रकार की नोट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को 50 रुपए इस प्रकार से लिखा हुआ भी दिखाई देता होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को अशोक स्तंभ का फोटो दिखाई देता होगा, और यहाँ पर आप लोगों को अशोक स्तंभ का जो फोटो है इसके जस्ट नीचे आपको एक चक्र का फोटो भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि आप लोग जो 50 रुपए की नोट देख रहे हैं, इस नोट में यहाँ पर जो राउंड बैकग्राउंड मिलता है, बैकग्राउंड के यहाँ पर चारों
दीवारों और आप लोगों को इस प्रकार की डिजाइन भी मिल रही है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी 50 रुपए की नोट पड़ी है जिसके ऊपर इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है तो आप लोग इस नोट को 4,22,000 रुपए में बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4,22,000 रुपए में ये एक नोट आप लोग बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो इस नोट के ऊपर 50 रुपए लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको इस प्रकार की डिजाइन भी मिल रही है। अगर आपके पास हुब टू हुब इस प्रकार की सेम टू सेम नोट मिल जाती हैं तो दोस्तों 4,22,000 रुपए में ये एक नोट आप लोग घर पर बैठकर ही बेच सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक वाली 50 रुपए की ऐसी अगर आपके पास भी कोई नोट पड़ी जिन्हें बेचना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग इस नोट का नाम हमें जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं 25 पैसे के गेंडे वाले सिक्के के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने 25 पैसे वाले गेंडे वाले सिक्के तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन ये जो सिक्का आप लोग देख रहे हैं ये कुछ रेयर है। यानी दोस्तों हर कोई सिक्कों के ऊपर यहाँ पर मैं आपको रेयर चीज बताऊंगा वो नहीं मिलेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो आप लोग इस नोट के ऊपर गेंडे का फोटो देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों गेंडे के फोटो के ऊपर यहाँ पर आप लोग जो तिथि देख रहे हैं तिथि के जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर एक डॉट का निशान दिखाई मतलब आप लोग देख रहे हैं जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी सिक्का पड़ा है जिसके ऊपर इस प्रकार का कोई भी चिन्ह होता है तो आप लोग ऐसे सिक्कों को घर पर बैठे बैठे 2,75,000 रुपए में आसानी से बाहर लोगों को देकर बदले में 2,75,000 रुपए ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी 25 पैसे का गेंडे वाला सिक्का पड़ा है जिसके ऊपर इस प्रकार की मार्किंग मिलती है तो दोस्तों आप भी यहां पर आसानी से इतनी प्राइस ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 25 पैसे का ऐसा कोई गेंडे वाला सिक्का है तो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहां पर जो सिक्का देख रहे हैं 10 रुपए का माता वैष्णो देवी जी वाला। दोस्तों यहां पर आप लोग जो 10 रुपए का गोल्ड कलर का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला कॉइन देख रहे हैं जिसके ऊपर यहां पर आप लोगों को माता वैष्णो देवी जी का फोटो, साथ ही यहां पर आप लोग इंग्लिश में भी लिखा हुआ देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और यहां पर दोस्तों जो वैष्णो और देवी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके डी के जस्ट नीचे आपको एक इस प्रकार का, यानी यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके भी बता देता हूं, जैसे दोस्तों ये जो सिक्का देख रहे हैं इस सिक्के के ऊपर आप लोगों को एक इस प्रकार की छोटी सी यहाँ पर डॉट की निशान दिखाई देती होगी जिसे दोस्तों आयताकार मिंट मार्क कहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी माता वैष्णो देवी जी वाला सिक्का पड़ा है जिसके ऊपर आयताकार मिंट मार्क है तो ऐसे सिक्कों के बदले आप लोग घर बैठे 24,000 रुपए ले सकते हैं। चाहे दोस्तों माता वैष्णो देवी जी वाला सिक्का हो या फिर इसके अलावा कोई भी सिक्का हो, लेकिन उस सिक्के के ऊपर अगर आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी मिंट मार्क दिखाई देती है तो आप लोग भी 25,000 रुपए में बेच सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक बात और, यहां पर आप लोग जो डॉट का निशान दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इस डॉट के निशान की जगह अगर आप लोगों को स्टार मिंट मार्क मिल जाता है तो ऐसे सिक्कों के बदले भी आप लोग काफी हाई प्राइस ले सकते हैं। यानी दोस्तों स्टार मिंट मार्क वाले सिक्कों के बदले आप घर पर बैठे बैठे आसानी से घर बैठे 5,00,000 से लेकर 7,00,000 रुपए की प्राइस ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टार वाला आज हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके पास यहां पर जो आयताकार मिंट मार्क देख रहे हैं इसकी जगह अगर आप लोगों को स्टार का चिन्ह दिखाई देता है तो आप लोग भी घर बैठे 5,00,000 से 7,00,000 रुपए एक सिक्के के बदले ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी माता वैष्णो देवी जी वाला सिक्का या फिर स्टार मिंट मार्क वाला या फिर आयताकार मिंट मार्क वाला कोई भी सिक्का है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोग जो सिक्के देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को 2 पैसे का सिक्का भी दिखाई देता होगा, 5 पैसे का सिक्का भी आपको दिखाई देता होगा, 10 पैसे का सिक्का और यहां पर दोस्तों 1 रुपए का चौथाई भाग और यहां पर दोस्तों 50 पैसे का सिक्का भी आपको दिखाई देता होगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सिक्के पड़े हैं तो ऐसे सिक्कों के बदले आप लोग 10,000 से लेकर 2,25,000 रुपए तक की प्राइस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ महंगे सिक्के उसके बारे में आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर आप लोग जो 2 रुपए का सिक्का देख रहे हैं इस सिक्के के बदले आप लोगों को घर बैठे 1,75,000 रुपए मिलेंगे। यहां पर आप लोग दोस्तों इस सिक्के की जो साइड देख रहे हैं वो आप लोगों को इस प्रकार की दिखाई देती होगी और यहां पर दोस्तों लाइनिंग और इस यहां पर जो कटिंग है इसके बीच में आप लोगों को इस प्रकार की डिजाइन दिखाई देती होगी। इस प्रकार की डिजाइन वाला अगर आपके पास कोई भी सिक्के पड़े जैसे कि ये सिक्का आप लोगों को 1,75,000 रुपए दिलाएगा, साथ ही इसके अलावा यहां पर आप लोग जो ये सिक्का देख रहे हैं इसके भी ऊपर यहां पर इस प्रकार की आपको डिजाइन मिल रही है तो ये भी आपको काफी हाई प्राइस दिलाएगा। साथ ही यहां पर 10 पैसे का जो सिक्का देख रहे हैं इसके भी ऊपर आप लोगों को
इस प्रकार की डिज़ाइन मिल रही, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा कीमत दिलाने वाला है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी सिक्के या फिर दोस्तों वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको नोट और सिक्के बताए हैं उनमें से अगर आपके पास कोई भी एक नोट या फिर दोस्तों एक सिक्का भी पड़ा है तो भी आप हमें सबसे पहले कमेंट में ज़रूर बता दें। कमेंट में बताने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बार फिर से जो कंपनी है उसके नंबर देने जा रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सिक्के हैं तो सबसे पहले कमेंट में ज़रूर बता दें और ये कंपनी आपके घर आएगी नोट और सिक्के खरीदने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में अगले पुराने नोट और सिक्कों की डिमांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।